आप सबका स्वागत है उबेस आयत के मस्ती भरे ब्लॉग में। तो गाइज, आपको पीछे से रोने की आवाज आ रही होगी, तो ये नाटक कर रही है। देखो यहाँ पे स्कूल से आ गई है और अपने पापा को कॉल लगा रही है और एक्टिंग कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं आपको सीक्रेट बता देती हूँ। पीछे ना इसने दिखा दो ना, पापा को तो नहीं पता चल रहा है। आयत को मिला है मेडल। वाओ, आयत के स्कूल में स्पोर्ट डे था गाइस, तो आयत को देखो मेडल मिला। फर्स्ट मेडल। ओ वाओ, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन। अभी पार्टी हुई घर पे। हाँ, घर पे पार्टी हुई। सो गाइस, बच्चों की छोटी छोटी खुशी कितनी अच्छी लगती है। और वो आते अपने पापा को कॉल करके बता रही है। इंशाल्लाह थोड़े देर में ओवेस भी आ जाएगा, बट ओवेस को आज मिलता है कि नहीं जरूरी नहीं हर किसी को मिले। पिछले साल उसको मिला था रनिंग में, जो भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की छोटी छोटी खुशी अच्छी लगती है। और माशाल्लाह रोजे हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे सर में जो दर्द था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्क पड़ा, अल्लाह का शुक्र है। गाइस, ओवेस भी आ गया स्कूल से। ओवेस का भी स्पोर्ट डे था तो बैग नहीं लेके गया था। अच्छा, बैग लेके ही नहीं गए थे आप, बैग यहाँ है। कैसा रहा स्पोर्ट डे? अच्छा रहा, मैं सेकंड आया। कहाँ है? फर्स्ट? किस में फर्स्ट आया, किस में सेकंड आया? एक में फर्स्ट आया। तो कल मिलेंगे मैडम। सेकंड आया। आज तो ट्रायल था, आप बोले। नहीं आज मैम लोग बोलते आज तुम्हारा फाइनल कर दिया हम लोग। और रोजे में आप गए थे, कर लिए, हिम्मत हो गई थी? चलो माशाल्लाह, अच्छा। किस चीज में सेकंड आया? खड़े रह के कुछ बताओ तो मेरे को। ये आयत को मिला है। आयत लाला जी, किस में सेकंड आया बेटा? पोटैटो रेस। आप? हाँ। आयत भी पोटैटो? हाँ, वो तो बता रहे। आयत, आप पोटैटो में जीते ना? हाँ। दोनों भाई को क्या सिर्फ पोटैटो लेके चलने आता है? हाँ, पोटैटो रेस। आलू टिक्की खा खा के सिर्फ पोटैटो वाले में ही जीते लोग। गाइस, सो गाइस, बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन से और मैं यहाँ पे करने लगी हूँ फटाफट से अफतारी की तैयारी। तो अफतारी में भिंडी तो नहीं खाने वाली हूँ, पर मैं रात के डिनर के लिए अभी से बना देती हूँ, क्योंकि फिर मगरिब की नमाज के बाद बच्चे को अरबी ले जाना होता है, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता रात की तैयारी के लिए। तो भिंडी बनी रहेगी तो फटाफट से फिर आके रोटी या दाल चावल जो भी मैं बना लूंगी। और यहाँ पे आज मेरा बहुत मूड है कि कांदे के भजिए, और रमजान में कांदे के भजिए नहीं खाए तो क्या खाए। तो आज मैं सिर्फ कांदे का भजिया खाने वाली हूँ इंशाल्लाह। और आयत आज बोल रही है मुझे फ्रेंच फ्राई तल के दे देना मम्मा। और यहाँ पे मैंने भिंडी की तैयारी करके रख ली है, बाकी टमाटो और ग्रीन चिली लहसुन। तो यहाँ पे तेल देखो गाइस गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। उसमें मैं पहले डालती हूँ थोड़ी सी मेथी। मेथी डालने से अच्छा लगता है बघार, मेरी सास ने बताए थे मुझे। और यहाँ पे मैं डाल दिया लहसुन, फिर उसी के साथ ही साथ में डाल दूंगी ऑनियन एंड ग्रीन चिली। तो चलो गाइस, फटाफट से भिंडी बनाते हैं और आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैं कर रही हूँ तैयारी। तो गाइस, ओवेस चला गया है असर की नमाज पढ़ने के लिए। मैं आपको बता रही थी ना, मैं और भी कुछ बनाने वाली हूँ, और मैं बनाने वाली थी ये है बीफ का खीमा, और मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, जो काले कबाब मिलते हैं रस्ते में, आप लोग को पता होगा, इसका रेसिपी आपको चाहिए, इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, पर मुझे उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो मैं बस कबाब पाऊँ, बहुत मन होता है कभी कभी बच्चों को खाने का। जब मेरी मम्मी के घर जाते हैं हम लोग, मतलब इन लोग अपनी नानी के घर जाते हैं, तो ऑलवेज एक दिन मिस नहीं करता कि वो कबाब पाव नहीं खाता है, वो हर दिन डेली खाता है। और उसको देख के आयत को भी क्रेज चढ़ गया है, तो मैंने सोचा कितनी बार बाहर ही का खाएंगे, तो मैंने इस बार घर में ही लेकर आ गई हूँ। तो उसको मैं बनाती दूंगी, पर उससे पहले हम लोग असर पढ़ लेते हैं, क्योंकि असर के बाद से बनाना शुरू करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्या अफतारी की तैयारी जहाँ चल रही है, और यहाँ पे देखो ये दोनों की मस्ती। ओवेस उसको मार। अरे अरे अरे, ओवेस नहीं, देखो ये देखो इन लोगों की मस्ती। और मैं मोबाइल रखूंगी और ओवेस को तोड़ दूंगी, ओवेस को तोड़ूंगी। तो गाइस, जब तक रोजा नहीं खुलता आयत खाती रहती है उसका कुरमुरा। जाते हैं, इन लोगों को छुप कर आती हूँ और अफतारी फटाफट बनाती हूँ। ओवेस आयत, अभी मैं बहुत मारूंगी।
उसका मुंह। माशाल्लाह से 3 रोजे के बाद आज मैंने फाइनली कांदे के भजिए बना लिए। बहुत मन हो रहा था और फाइनली मेरी आज भजिए भी रेडी हो गए हैं माशाल्लाह। कबाब भी मैंने यहाँ पे 2 सोनम के लिए रख दिए, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं कुछ स्पेशल बनाऊं और सोनम को ना पूछूं, मुझे मन नहीं होता। कि ऐसा लगता है एक बार सोनम को पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वो भी जब कुछ भी बनाते हैं गाइस वो मुझे जरूर पूछते हैं, मुझे मेरे बच्चों को। तो मैं भी कुछ स्पेशल अलग हटके बनाती हूँ, दाल चावल या डेली रूटीन की चीजें जैसे सालन वगैरह से हटके। तो मैं सोनम और अम्मी लोग को जरूर पूछती हूँ, पर ये बड़े का है तो अम्मी नहीं खाते, अम्मी सिर्फ गोश्त चिकन और बकरा खाते हैं, तो अम्मी को तो नहीं दे पाऊंगी। माशाल्लाह से हमारी तमाम अफ्तारी रेडी हो चुकी है, और बोलते हैं कि अपनी अफ्तारी को शो ऑफ नहीं करना चाहिए। पता है गाइज, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में ये सब भी नहीं होता, पर बहुत से ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह एक खजूर भी दे दे और कुछ फल फ्रूट भी दे दे किसी के भी जरिए, तो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी अफ्तारी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी ऐसी होती है गाइज, वो एक एक्साइटमेंट कि हमको ये भी बनाना है वो भी बनाना है, पर अगर अफ्तारी में एक खजूर और एक गिलास पानी भी मिल जाए ना तो दिल को बहुत सुकून मिलता है और बहुत मजा आता है। पर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हमको मिला अल्हम्दुलिल्लाह हम वही खाते हैं। हम लोग को कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि हम लोगों को ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं मिला है, कि नहीं ओवेज छोटा मोटा। मेरे को पता है कि मेरे बच्चों को इतना फ्रूट में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इतना फ्रूट्स नहीं रखती, मैं घर में ही कुछ बना लेती हूँ। मैंने आयत का फेवरेट आज फ्रेंच फ्राई बनाया है, कबाब बना लिए हैं, और सोनम ने ओवेस के लिए स्पेशली जीपे करके कटलेट्स भेजे हैं, बोले कि तुम जाके ले लो, और उन्होंने पेमेंट वगैरह कर दिए। और मेरी बेटी देखो अफ्तारी से पहले बैड मैनर तो चलता है रोजा नहीं कि अंकल ने बोले खुद से ले सकते, तो ओवेस ने चुन चुन के मोटे मोटे उठाए। चलो ठीक है, बस अभी 5 मिनट में अजान हो जाएगी, दुआ कर ले। तो गाइस माशाल्लाह से हम लोग करने जा रहे हैं अफ्तारी, और अफ्तारी में दुआ करना बहुत 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 जरूरी होता है। वो इसलिए कहते हैं कि दुआ वो होती है कि दिन भर इंसान ने मजदूरी किया और अपनी मजदूरी नहीं लेके गया, ऐसा बोलते हैं। तो दिन भर हम रोजा रखते हैं और अल्लाह से दुआ मांग के हम अपनी जायज दुआएं को कबूल करवाते हैं, और यही ऐसा वक्त होता है जब अल्लाह ताला खुद दुआ हमारी कबूल करने के लिए बोलते हैं, पहले आसमान पे आते हैं और सुनते हैं। माशाल्लाह मुझे तो बहुत मजा आता है रमजान में, बहुत बहुत अच्छा लगता है। ओवेज भी माशाल्लाह से, ओवेज ने भी अब तक जितने रोजे हुए सारे बोलूंगी तो, हम लोग बचपन में ना ऐसा बोलते थे, अच्छा तुम्हारे रोजे पूरे हो गए तो फिर तुम्हारी कल ईद है। तो ऐसा नहीं है, जितने भी अभी तक रोजे हुए हैं माशाल्लाह से मेरे बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रखा है, अपनी स्कूल ट्यूशन अरबी भी कंटिन्यू किया है, और दुआ मांगो बिना दुआ मांग। माशाल्लाह से अफ्तारी हो चुकी है, और अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके अरबी। आप लोगों को पता है अफ्तारी के बाद कितना काम बढ़ जाता है, पर 8 बजे की बच्चों की अरबी है तो बहुत जल्दी जल्दी क्विक निकलना पड़ता है। और आयत भी यहाँ पे फ्रेश होके खड़ी हो गई है, और थैली में क्या ले लियो, बुआ के लिए कबाब पाओ, मैंने भी हेल्प उठाने में मेरी बेटी ने भी हेल्प की, और ये ले जा रही है अपना मेडल पहन के दिखाने अम्मी लोग को, दादी और दादा को अपने, और सोनम के लिए मैंने कबाब पाव ले ली। लोग आ चुके हैं घर पे अम्मी के, और अम्मी को दिखाने के लिए इतनी परेशान हो रही थी कि चलो मैं पहन के पूरे रास्ते में आई है, उसको मिला मेडल। किसमें वो तो बताया, किसमें पोटैटो रेसिंग, पोटैटो लेके रेसिंग करना था। मैं बोली आलू टिक्की टिफिन में खा के खाली पोटैटो वाले में जीती। और सोनम ने देखो गाइस मुझे अभी बता रहे थे कि भाभी आओ मैं कुछ दिखाती हूँ, तो ओ माशाल्लाह ये क्या है सोनम, थ्रेड चिकन, ओ मतलब जब मैंने ट्राई की सोनम ने पहले ही कर लिया। और मैंने सोनम के लिए लाई थी कबाब, तो मैं गाइस चटनी वटनी लगा के लेके आई, तो चलो तुम भी एक ट्राई कर लो, और मैं भी एक चिकन, ये चिकन है हाँ, चिकन पे लेके आए थे तुम कल जाके वहाँ से पट्टी, समोसा पट्टी। चलो मस्त, चलो फिर खाते हैं और बताते हैं कैसा बना है। तो गाइस हम लोग आए थे ओवेस आयत को अरबी छोड़ने के लिए, पर इन लोगों को छुट्टी मिल गई, हाफिज जी नहीं आए पता नहीं क्यों, तो हम लोग यहाँ पे इतना टाइम पास करते रहे। देखो ये यहाँ पे ऐसे मस्ती कर रही है, ये अपना मोबाइल लेके बैठ गया है, अम्मी यहाँ पे बैठे बेचारे अपसेट रोजे के बाद थके थके। तो चलो फिर फटाफट से घर जाते हैं, और ये जब भी मोबाइल चालू होता तो गाय याद आ जाती है, तो बोलो गाय, ये मैम ने जूना दिए, ये लगता है मैम ने जूना दिए क्योंकि इसका थोड़ा प्रिंट निकल रहा है। हाँ यार
आप बोलना अपनी मैम। साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ भी नहीं दिख रहा है, जूना दे दिए। कोई बात नहीं, दिए वही बहुत बड़ी बात है कि मेरी बेटी जीत गई। तो चलो फटाफट से घर जाते हैं। चलो आए, चलो सोनम, अल्लाह हाफिज। गाइस पिछले 1 आवर हो गए तब से बोल रहे मैं घर जाती हूँ बट वो घर जाने का क्योंकि इन लोगों का मन ही नहीं होता है। अभी भी मुझे बोल रहा है मम्मा सिर्फ 5 मिनट, और मैं भी बोल रही हूँ 5 मिनट तो मेरा बहुत मन होता है, मेरे को बहुत काम है, घर जाते ही काम ही काम है। बुआ जी की छुट्टी नहीं, हाँ चलो चलो अल्लाह हाफिज। घर पे आ चुके हैं और आते ही ओवेस बोलने लगा मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ क्योंकि बच्चा दिन भर इतना ज्यादा थक जाता है, स्कूल ट्यूशन अरबी, फिर दिन भर में माशाल्लाह से रोजा भी मेरा बच्चा रख रहा है। तो वो बोला सो जाता, उस वो सो गया और मैंने रात में एकदम हल्का सा खा लिया था, दही आयत ने एक छोटी सी रोटी मैंने उसको बना के दे दी थी, वो भी नॉर्मल खा ली एक रोटी। और ओवेस तो कुछ भी नहीं खाया, वो बोला मेरे अफतारी से अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी अच्छी अफतारी थी कि पेट भर गया, तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो गाइज यहीं पे करते हैं हम प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग एंड प्लीज सपोर्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन, आपको मैं अल्लाह के साथ।